सामना करने की शक्ति। जब हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं होती है तो हम विपरीत परिस्थितियों से भागते हैं, और जितना ही हम डर से भागते हैं उतना डर बड़ा होता है, और जितना हम उसे फेस करते हैं तो वही डर धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। जो भी निर्णय हम लेते हैं हमें उसके परिणाम का सामना करना पड़ता है। किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए ज्ञान का गुण चाहिए, क्योंकि भय जीवन की चुनौतियों को सामना करने में हमें असमर्थ बनाता है। साथ ही साथ सच्चाई, हिम्मत और दृढ़ संकल्प जैसे गुण भी आवश्यक हैं, वरना हम डिनायल या रेजिस्टेंस में रहते हैं। एलिजाबेथ कुबलर-रॉस, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट है, उनका मानना है कि जब भी हमारे जीवन में कोई लॉस या पेन आता है, एक्सेप्टेंस ही हर विपरीत परिस्थिति को क्रॉस करने में हमें वो मनोबल देता है। क्योंकि जब हम डिनायल या रेजिस्टेंस में रहते हैं तो हम अपने मन की बहुत सारी शक्तियों को स्वयं ही क्षीण करते रहते हैं। जिन परिस्थितियों में पेन या लॉस का डर होता है तो उन्हें हम फेस नहीं करना चाहते, पर जब हमें हमारा सत्य परिचय मिलता है, जो कि हम अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा है और शरीर विनाशी है, गुण और शक्तियाँ तो हमारे अंदर ही हैं, तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। फेल होने का फियर भी बहुत बड़ा फियर है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हमें जज करेंगे, हमें ह्यूमिलिएट करेंगे। थॉमस एडिसन ने लगभग 2000 विफलताओं का अनुभव किया जब प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया, और जब वह आखिर में सफल हुए तो किसी ने जब उनसे ये पूछा कि क्या उन्हें बुरा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल बुरा नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि विफलता अद्भुत शिक्षक है और प्रेरक है। अगर हम ये समझे कि असफलता में भी कल्याण छिपा हुआ है, इस दृष्टिकोण से देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक, जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट है। पर जब हम किसी बात में फेल होने का डर फील करते हैं तो हम ग्रोथ के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखते हैं, सामना नहीं करते, और फिर जब असफलता आती है तो उसे हैंडल नहीं कर पाते और ब्रेकडाउन हो जाता है। आप ठोकर खा सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप उठते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी चिंताओं से परे अधिक शांति और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आप हर अनुभव से ताकत, साहस और दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, यदि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा आपकी मदद के लिए हजार कदम आगे आते हैं। आप जब भी कुछ बेहतर करना चाहें तो उसके लिए आपको तैयारी और अभ्यास करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर, स्टूडेंट अगर इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह से नहीं करता है तो पेपर हॉल में जाने से हिचकिचाता है, और जब परिणाम आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो उसे फेस करने में भी भयभीत हो जाता है। तो बहुत समय का अभ्यास हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, यहाँ पर परखने की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। याद रहे, सामना परिस्थितियों का करना होता है, व्यक्तियों के संस्कारों का नहीं। अगर कोई बात जो कि इनजस्टिस है या अनएथिकल है, तो सभ्यता से, रॉयल्टी से, सच्चाई से उसका सामना करना होता है। कहते हैं ना कि सच्चाई की नाव हिलती है, डोलती है, पर कभी डूब नहीं सकती। तो हमें सामना करना है अपनी कमजोरियों का, अपने बुरे हैबिट्स का। राजयोग के ज्ञान और अभ्यास से खुद पर
परमात्मा पर और समय पर निश्चय पक्का होता है और हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होते हैं।